हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रदीप आर्ट। आज मैं अपने इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगी कैसे हम एक पोर्ट्रेट को रेडी करते हैं। जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, ये पोर्ट्रेट मैंने एडोब इलस्ट्रेटर में पेन टूल से ही रेडी किया है। इस पोर्ट्रेट को रेडी करने के लिए हम सबसे पहले एक इमेज लेंगे, उसको हम अपने एडोब इलस्ट्रेटर में एक साइज़ में रख लेंगे, जितनी भी साइज़ की हमें पोर्ट्रेट रेडी करना है। जैसे मैंने जो 1000x1000 का लिया है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। पोर्ट्रेट को शुरू करने से पहले हम इस इमेज को, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे और इसकी जो लेयर है, डाउन लेयर जिसमें हमने रखा हुआ है, उसको हम लॉक कर देंगे। फिर हम एक न्यू लेयर लेंगे जिस पे हमने अपना सारा काम करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, पेन टूल को सिलेक्ट करना है, उसकी स्ट्रोक को वन साइज रखना है। अब आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, मैंने लिप्स को ड्रॉ करने के लिए पेन टूल लिया है। मैं धीरे धीरे लिप्स की शेप को ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ करने के बाद जो थोड़ा लाइन को अट्रैक्टिव करने के लिए, सीधी करने के लिए, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ कर रही हूँ, इसको एग्जैक्ट शेप देने के लिए। इसके बाद जो आपने स्ट्रोक लगाई है लिप्स के ऊपर की, इसको हमने वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल में जाकर शेप देनी है, जिससे जो साइड्स हैं वो हमें ब्रीक चाहिए तो ब्रीक हो जाएंगी। उसमें और भी बहुत सारी ऑप्शन होती है, आप अपने अकॉर्डिंगली उनको टेस्ट कर सकते हो। सेम इसी तरीके से हमने लिप्स का बॉटम, नीचे वाला पार्ट भी हमने डिज़ाइन करना है। देखिए आप वीडियो में मैं इसको कैसे डिज़ाइन कर रही हूँ। एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, आप कुछ भी स्ट्रोक लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, बार बार जो हमने बॉटम पे सब पे लेयर रखी थी जिसको लॉक किया हुआ है, उसको ऑफ करके इसकी आउटपुट चेक करते रहना है। क्या हमारी जो शेप्स हैं वो सही जा रही है, जो हम पोर्ट्रेट डिज़ाइन करना चाहते हैं उसकी आउटपुट कैसी निकलेगी, ये चीज़ें हमने साथ के साथ क्लियर करनी है। इसलिए आप इसको बार बार ऑफ करके देखते रहना है। लिप्स के बाद अब हम साथ के साथ इसके दांत ट्राई करेंगे, दांत बना रहे हैं। आप देख रहे हो जो मेरा कर्सर है वो थोड़ा अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं जा रहा, इसको सेट करने के लिए हम टॉप पे व्यू ऑप्शन है उसमें जाएंगे। उसके बाद हम इसका जो पॉपअप मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले होगा, उसमें से जाके स्नैप टू पिक्सल ऑप्शन को टिक कर देंगे। इससे क्या है कि हम जहाँ पे भी अपना मतलब पेन टूल जाके रोकेंगे, जहाँ पे भी हमें चाहिए एग्जैक्ट पोजिशन लाइन की, वहीं पर ही हमें मिलेगी। अब हम इस इमेज का नोज़ बनाएंगे। इसके लिए जो इसकी जो साइड्स है दोनों, इनको मैं स्ट्रोक से ही आउटपुट दूंगी, और जो नोज़ का बॉटम पार्ट है इसको मैं फिल ऑप्शन से फिल करूंगी। देखिए आप, मैं सारा इसको पेन टूल से बना रही हूँ। इसके बाद हम चलते हैं आइज़ के ऑप्शन पे। गाइस, अब बारी आ गई है आइज़ की। आइज़ के लिए हम सबसे पहले पेन टूल को फिल ऑप्शन से बनाते हैं, जिससे हमने आईलाइनर, मस्कारा सब कुछ आइज़ का शो करना होता है। इसके लिए हम सबसे पहले आईलिड को बनाएंगे, इनर कॉर्नर, ये सारा हम पेन टूल से ही बनाएंगे। इसके लिए हम स्ट्रोक यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रोक जो होती है वो इक्वल होती है, और अगर हम फिल ऑप्शन से बनाते हैं पेन टूल को यूज़ करके तो ज़्यादा अच्छी बनती है। इसके लिए जैसे मैं आइज़ का जो सेंटर का पार्ट है वो सारा बाद में ड्रॉ कर रही हूँ, मगर ये हमें पीछे चाहिए। कई बार क्या होता है, ये हमने बाद में ड्रॉ करना होता है, इसको आप पीछे करने के लिए, आईलेट के पीछे करने के लिए आपने क्या करना है, जो भी चीज़ को आपने पीछे करना है, जैसे मैंने ये ब्लैक और वाइट लिया है, इसको मैं पीछे करने के लिए इस पर राइट क्लिक करूँगी, इसमें अरेंज ऑप्शन में जाके सेंड टू बैक, और सिंपली आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई भी कर सकते हो। इसके बाद हमने आइज़ को कंप्लीट करने के लिए साथ साथ आईब्रोज भी बना देने हैं। इसको हम रफली सिर्फली बेस कलर दे रहे हैं, बाद में हम इसको सभी को शेड के साथ जो लाइट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली सारे को कंप्लीट करेंगे।
गाइस अब बारी आ गई है हेयर्स की। हमने पेन टूल की मदद से सबसे पहले हेयर का बेस रेडी करना है। बेस रेडी करने के बाद हमने इसकी जो शेड्स हैं, डार्क शेड्स हैं, कहाँ से हमें लाइट शेड देनी है लाइट के अकॉर्डिंगली, वो सब रेडी करना है। मैं इसमें सबसे पहले बेस को रेडी करके उसके बाद उसकी जो जहाँ से हमें लाइट पड़ रही है बालों में उसकी अलग से कलर देना है, ये सारा बेस तैयार कर रही हूँ। अब चलते हैं स्किन टोन की ओर, जहाँ पे जैसे आइज़ के पास पास जो वो थोड़ा एरिया होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है हर किसी का, जहाँ जहाँ पे हमने थोड़ा सा डार्क डालना है फेस का कलर, जहाँ से थोड़ा सा डार्क है वहाँ वहाँ हम लोग एक पेन टूल से उसके शेप को ड्रॉ करेंगे। आप वीडियो में देख रहे होंगे मैं पहले की तरह इसके कपड़े और फुल बॉडी को बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर रही हूँ। सॉरी जब मुझे तेज़ी से कंप्लीट करना पड़ रहा है, अगर मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। गाइस अब ये हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो माइंड में तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो नीचे डिटेल में मेरा ईमेल एड्रेस है, उसमें आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई करती हूँ। लास्ट में मैं आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी ऐसी कुछ वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक्स।